हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मास्टर ऑफ बॉटनी अगेन एंड आई एम योर फ्रेंड विनय कुमार सिंह। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट ग्रुप के बारे में, जो कि है ब्रायोफाइट्स। हम आपको एल्गी और फंजाई के बारे में बहुत कुछ बता चुके हैं, तो ठीक है। तो फर्स्ट थिंग है टैक्सोनॉमिक पोजिशन, हम जानेंगे ब्रायोफाइट्स का। ब्रायोफाइट्स कहाँ पे जो है, इसका स्टेटस क्या है अभी। तो अभी आपने पढ़ा था, दो क्लासिफिकेशन आपके सामने हैं। मैंने आपको बताया था सारे प्लांट किंगडम को, जो दो पॉपुलर क्लासिफिकेशन है, एकलर का और टिप्पो का। दोनों क्लासिफिकेशन के अनुसार थैलोफाइटा ग्रुप आप जो है आपने पढ़ लिया। एक दोनों में दोनों चीज़ें थी उसमें, एल्गी और फंजाई। ओके, अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा का। तो आपको इस क्लासिफिकेशन में देख रहा होगा लेफ्ट साइड में एकलर का क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे ब्रायोफाइटा जो है ये क्रिप्टोगैमी के अंदर रखा हुआ है। क्रिप्टोगैम्स उन्हें कहते हैं जहाँ पे सीड नहीं होता है। ओके, सीड नहीं बनता है। तो एकलर के क्लासिफिकेशन के अनुसार और टिप्पो के क्लासिफिकेशन के अनुसार, इन्होंने जो इनका क्लासिफिकेशन था ये डायरेक्ट एम्ब्रियो के बेसिस पे किया था कि एम्ब्रियो होता है कि नहीं होता है। तो ओसवाल्ड टिप्पो में आपको ये एम्ब्रोफाइटा के अंदर मिलेगा, ठीक है। आप देखेंगे एम्ब्रोफाइटा दो में डिवाइड किया गया है, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा में। तो ब्रायोफाइटा हमें वहीं पर मिलता है एम्ब्रियोफाइटा के अंदर, ठीक। तो ये दोनों क्लासिफिकेशन से आप काफ़ी फेमिलियर हैं, होप कि आपको टैक्सोनॉमिकली ब्रायोफाइटा कहाँ पे है इन दोनों के क्लासिफिकेशन में आपको अच्छे से पता चल गया होगा, ठीक है। काफ़ी इजी है। अब हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। फर्स्टली तो ब्रायोफाइटा जो है ये ग्रीक से आया है, ब्रायोन इसका मीन्स होता है मॉस और फाइटॉन मीन्स प्लांट। ओके, अगर हम बात करते हैं फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कौन है, तो ये है हेडविग, ठीक है, वर्ल्ड रेफरेंस में। और फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कौन है, शिवराम कश्यप। ओके, तो ब्रायोफाइट में वर्ल्ड वाइड करीब 960 जेनरा हैं और 24,000 स्पीसीज है इसके अंदर। ओके, अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में जो ब्रायोफाइट्स हैं ये मोस्टली नॉर्दर्न एंड साउदर्न हिमालयाज में पाए जाते हैं और नीलगिरी हिल्स में पाए जाते हैं। ओके, पोजीशन के बारे में बात करें तो ये एल्गी और टेडोफाइट के बीच में इसका पोजीशन है कहीं ना कहीं, ठीक है। कुछ कैरेक्टर इससे एल्गी से मिलते हैं, कुछ टेडोफाइट से मिलते हैं, बट बिकॉज ब्रायोफाइट्स के पास बहुत सारे फीचर्स हैं जो इसको यूनिक बनाता है, तो इसलिए दोनों से अलग भी हैं, ठीक। तो एक चीज़ और है यहाँ पे कि वाटर जो है इसके लाइफ साइकिल में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये वाटर जो है इसके फर्टिलाइजेशन में यूज़फुल होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, बिकॉज दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल बट वाटर इज एसेंशियल फॉर देयर फर्टिलाइजेशन। और वहाँ पे जैसे आपने एल्गी पढ़ा था, एल्गी जो होते हैं वो मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, और फंजाई जो होता है वो मोस्टली कहाँ पे होता है, लैंड में होता है। लेकिन आपको पता है एल्गी जो है वो क्या था, आपका फोटोसिंथेटिक था, और वहीं जो फंजाई है आपका वो फोटोसिंथेटिक नहीं था, वो सैप्रोफाइट्स या पैरासाइट्स होते थे। तो ये जो है आपके ब्रायोफाइटा, फोटोसिंथेटिक की अगर हम बात करें तो ये जो होते हैं ब्रायोफाइट्स, ये प्रेफर करते हैं तो टेरेस्ट्रियल हैबिट, लेकिन यहाँ पे वाटर जो होता है इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसलिए मॉइस्ट जो जगह रहेगा रहेगा वहाँ पे ये ग्रो करते मिलेंगे। यहाँ अगर आप यूपी में रहते हैं तो उन जगह पे जहाँ पे पानी लगता है बरसात के दिनों में, आप जो देखेंगे वॉल्स होते हैं वहाँ पे आपको कुछ ग्रो करते हुए दिखाई देंगे, तो वो मोस्टली ब्रायोफाइट्स होते हैं। रिक्सिया और मार्गेंशिया भी आपको मिल जाएगा। अगर हम फॉसिल रिकॉर्ड्स की बात करें तो फॉसिल रिकॉर्ड्स जो हैं ब्रायोफाइटा के, वो इंडिकेट करते हैं कि ये करीब 395 से 430 मिलियन ईयर्स अगो पहले इन ये इवॉल्व हुए हैं, और उस टाइम पे ये सिल्यूरियन पीरियड या पेलियोजोइक एरा जो है, जो सिल्यूरियन पीरियड है पेलियोजोइक एरा का, वो चल रहा था। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट बुक की बात कर लेते हैं, जैसे आपको पता है फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी शिवराम कश्यप हैं, तो इनका एक बहुत पॉपुलर बुक था लिवरवर्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालयाज एंड द पंजाब प्लेन, ये बुक काफ़ी पॉपुलर था इनका, तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है। अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स देख लेते हैं ब्रायोफाइटा के बारे में।
तो ब्राउन जो थे इन्होंने ये नाम दिया ब्रायोफाइटा का 1864 में। फिर आते हैं शिम्पर, ये 1879 में इस जो ब्रायोफाइटा था इसको डिवीज़न का रैंक देते हैं। देखिए पहले जो आपके क्लासिफिकेशन अभी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ब्रायोफाइटा एक डिवीज़न नहीं था, ये भी कहीं पे पुराने क्लासिफिकेशंस में एल्गी और फंजाई के बीच में उन्हीं के साथ रखा जाता था, ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप में। लेकिन जब बाद में डिटेल स्टडी होने लगी तो इनका जो है रैंक ऊपर किया गया, तो शिम्पर ने ही इसका रैंक जो है डिवीज़न पे लेके आए थे। जैसे डिवीज़न क्या है, एल्गी डिवीज़न है, फंजाई एक डिवीज़न है, वैसे ब्रायोफाइटा भी एक डिवीज़न के रूप में आया। इकलर जो होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया यहाँ इसके पीछे वाले स्लाइड में, ये देखिए बाएं साइड वाला जो प्लेट आपको दिख रहा है ये इकलर का क्लासिफिकेशन है। तो इकलर ने 1883 में इन ब्रायोफाइटा जो था उसके दो क्लास दिए थे कि एक कौन सा हिपेटिसी था और एक मसाई था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इंग्लर आते हैं, इन्होंने 1892 में हिपेटिसी को तीन ऑर्डर में डिवाइड कर दिया। ऑर्डर फर्स्ट वॉज मार्कनशियस, ऑर्डर सेकेंड वॉज जुंगरमेनियंस एंड ऑर्डर थ्री वॉज एंथोसीरोटेज। अब इसके आगे की कहानी देखते हैं तो अंडरवुड या हव हव जो है यहाँ पे अंडरवुड 1894 में, और जो होव लिखा है ये 1899 में, दोनों का मुझे बुक में रेफरेंसेस मिले हैं कि इन्होंने रिकग्नाइज किया जो ऑर्डर यहाँ पे दिया हुआ था, इन्होंने दिया था इसके पहले वाले जो मैं आपको बता रहा था कि इंग्लर ने हिपेटिसी को तीन ऑर्डर में डिवाइड किया। ये जो थर्ड ऑर्डर है मैंने रेड से मार्क किया हुआ है एंथोसीरोटेज, इसको जो है अंडरवुड और होव ने रिकग्नाइज किया कि ये हिपेटिसी के अंदर जो है फिट नहीं बैठते हैं, सो इसे डिफरेंट किया जाना चाहिए, शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम हिपेटिसी। उसके बाद क्या होता है, स्मिथ कैंपबेल शूस्टर डिवाइडेड ब्रायोफाइट्स इनटू थ्री क्लासेस। तो उनने जो डिवीजन ब्रायोफाइटा था इसको तीन क्लासेस में डिवाइड कर दिया, हिपेटिसी, इंथोसेरोटी एंड मसाई, ठीक है। फिर आते हैं हम रॉथ मालर पे, इन्होंने क्या किया इसका नेम चेंज कर दिया। उस समय आपको पता है रूल्स रेगुलेशंस आ रहे थे कि फैमिली एंडिंग, ये सारे आपने टैक्सोनॉमी में काफ़ी पढ़ा होगा, ऑर्डर का एंडिंग कैसा होगा, तो रूल्स के अकॉर्डिंग नाम रहना चाहिए। तो इसीलिए जो हिपेटिसी, एंथोसेरोटी और मसाई था इसको नाम चेंज किया गया हिपेटोकॉप्सिडा, एंथोसीरोप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा में। फिर उसके बाद बात करते हैं प्रोस्क्योर की, इन्होंने 1957 में जो एंथोसीरोप्सिडा था इसका भी नाम चेंज किया, इसको इन्होंने किया एंथोसीरोटॉप्सिडा। तो ये मेजर चीज़ है जो एग्ज़ाम में आते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सारे फीचर्स के, ब्रायोफाइटा के मेन मेन फीचर्स के, तो यहाँ पे मैंने 12 पॉइंट दे रखा है। आइए इनके सेलियंट फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। ब्रायोफाइट जो होते हैं ये ग्रो करते हैं टेरेस्ट्रली डैम्प एंड शेडी प्लेसेस में। डैम्प मीन्स जहाँ पे वाटर थोड़ा ज़्यादा रहता है, मीन जहाँ पे पानी लगता है, और शेडी प्लेसेस में छांव वाले जगहों पे आपको ज़्यादा मिलेंगे, एक्सेप्ट फ्यू एक्वेटिक जेनरा लाइक रिक्सिया फ्लुइटेंस। केवल कुछ जेनरा को छोड़ के, जैसे कुछ रिक्सिया, जैसे एक स्पीसीज है रिक्सिया की, रिक्सिया फ्लुइटेंस, ये एक्वाटिक होते हैं, बाकी मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, लेकिन डैम सॉइल पे ग्रो करते हैं और जहाँ पे शेड होता है। दे फॉलो हेटरोमॉर्फिक हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, और इनका जो लाइफ साइकिल होता है ये हेटरोमॉर्फिक होता है। फर्स्टली देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल, होमोमॉर्फिक एंड हेटरोमॉर्फिक। ओके, होमोमॉर्फिक जो होता है, होमो से आपको पता है सिमिलर, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो अगर जो लाइफ साइकिल में जो दो मेन फेजेस होते हैं अगर वो सिमिलर दिखते हैं मॉर्फोलॉजिकली तो उन्हें होमोमॉर्फिक कहते हैं, मेरे मॉर्फोलॉजी में सेम देन होमोमॉर्फिक, और अगर मॉर्फोलॉजी में डिफरेंट होते हैं तो हेट्रोमॉर्फिक बोलते हैं। तो जो ब्रायोफाइटा होते हैं ये हेट्रोमॉर्फिक होते हैं, और जो यहाँ पे डिप्लोबायोन्टिक लिखा है, या इसे आप कह सकते हैं डिप्लॉन्टिक, दोनों एक ही है। तो यहाँ पे भी ये एक तो हो गया होमोमॉर्फिक हेटरोमॉर्फिक, और ये जो होता है ये तीन टाइप का होता है, हैप्लॉइड टाइप ऑफ लाइफ साइकिल,
डिप्लॉयड टाइप ऑफ लाइफ साइकिल एंड हैप्लो डिप्लॉयड टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। तो जहाँ पे जैसे किसी भी ऑर्गन, जैसे आपने एल्गी के बारे में पढ़ा था, उनका हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल था, मीन्स जो मेन उनका प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉयड ही रहता है। और जैसे एनिमल्स में, ह्यूमंस में हम हैं, या हम क्या हैं, डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल है। हमारे लाइफ साइकिल में डिप्लॉयड जो है वो सेल्स ज़्यादा होती हैं, हैप्लॉयड केवल गैमीट के फॉर्म में आपको मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे ब्रायोफाइट्स क्या हैं, दोनों यहाँ पे फेजेस आपको मिलेंगे, गैमेटोफिटिक फेज भी आपको मिलेगा और स्पोरोफिटिक भी फेज मिलेगा, मींस हैप्लॉयड डिप्लॉयड दोनों फेज बराबर मात्रा में मिलता है। तो इसीलिए दे फॉलो हेट्रोमॉर्फिक हैप्लोडिप्लॉमटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। द डोमिनेंट प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट, लेकिन फिर भी जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट में, ये गैमेटोफाइट ही है, ऑन विच स्पोरोफाइट इज सेमी पैरासिटिक फॉर इट्स न्यूट्रिशन। ओके, सेमी पैरासिटिक या पैरासिटिक भी कह सकते हैं, वो उसके न्यूट्रिशन के लिए स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंड होता है। देखिए लोअर ऑर्गेनिज्म में गैमेटोफाइट ही होता था, ठीक है, मींस हैप्लॉयड, और हायर फॉर्म में जैसे आप एंजियोस्पर्म देखेंगे, उनका जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो स्पोरोफिटिक होता है, और गैमेटोफिटिक जो फेज है ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। जैसे स्पोरोफाइट अगर हम बात करते हैं तो पॉलन ग्रेन केवल होता है एंजियोस्पर्म में, और उसमें एंजियोस्पर्म में ही गैमेटोफिटिक फेज आप देखेंगे तो वो भी है, एम्ब्रियो सैक भी, वो दोनों गैमेटोफिटिक है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं। लेकिन लोअर फॉर्म में क्या होता है, गैमेटोफिटिक फेज जो होता है वो डोमिनेंट होता है, स्पोरोफिटिक जो फेज है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। आप बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, द थैलॉयड गैमेटोफाइट। अब देखिए जो थैलॉयड गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट क्या होता है, थैलॉयड होता है, वो डिफ्रेंशिएट होता है यहाँ पे इनटू राइजोइड्स, एक्सिस एंड लीव्स में। ओके, वैस्कुलर टिश्यू यहाँ पे लेकिन अब्सेंट होता है, ब्रायोफाइट्स में नहीं होता है, ठीक। द गैमेटोफाइट बियर्स मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड सेक्स ऑर्गन। देखिए यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था कि जो चीज़ें इसे एल्गी और फंजाई से अलग बनाती हैं वो है कि ये यहाँ पे, वहाँ पे क्या थे, यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन थे, यहाँ पे क्या है, मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन है, वहाँ पे नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन होते थे, यहाँ पे जैकेटेड सेक्स ऑर्गन है। और कौन है ये सेक्स ऑर्गन्स, एंथ्रीडिया जो मेल है और आर्चिगोनिया जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे ओगैमस टाइप का होता है, ओगैमस टाइप का मतलब मेल जो गैमीट है वो वहाँ पे फ्लैजिला होगा, और जो ओवा होती है वो अनफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है, दोनों फर्टिलाइज करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर बात करते हैं मल्टीसेलुलर, यहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप होता है इनसाइड आर्चिगोनियम, जो एक बड़ा पैरामीटर है क्लासिफिकेशन का कि एम्ब्रियो बनता है कि नहीं बनता है, पर ब्रायोफाइट्स आपको पता है एम्ब्रियो फाइटा में रखे गए हैं, तो यहाँ पे एम्ब्रियो बनता है। ओके, अगर हम बात करते हैं स्पोरोफाइट की, तो जो यहाँ पे स्पोरोफाइट होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है फूट, सेटा और कैप्सूल में, ब्रायोफाइट, ठीक है, बल्कि लोअर फॉर्म में नहीं होता है, हायर फॉर्म में ज़्यादा होता है, अभी आप आगे पढ़ेंगे। कैप्सूल जो यहाँ पे होता है वो प्रोड्यूस करता है हैप्लॉयड मियोस्पोर, मतलब कैप्सूल जो यहाँ पे होता है उसमें मियोसिस होता है और स्पोर्स बनते हैं, और यहाँ पे जो स्पोर्स बनते हैं वो होमोस्पोरस होता है। जैसे होमो का मतलब सेम, मतलब हेट्रोस्पोरस नहीं होते, स्पोर्स सारे अलाइक होते हैं, एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। अगर आप आगे पढ़ेंगे जैसे टेरिडोफाइट्स में अगर हेट्रोस्पोरी का वहाँ पे डेवलप मेंट होता है, तो वहाँ पे हेट्रोस्पोर मतलब जो छोटा होगा स्पोर, वो जनरली मेल क्या बनाता है, गैमेटोफाइट बनाता है, और जो बड़ा होगा वो फीमेल बनाता है, ऐसे ऐसे हेट्रोस्पोरी है, पर यहाँ पे होमोस्पोरस होते हैं स्पोर्स। स्पोर्स जर्मिनेट इनटू जुवेनाइल गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोटोनिमा इन मॉसेस। मॉसेस में एक चीज़ और है कि यहाँ पे स्पोर जो होता है वो जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट तो बनाता है, लेकिन जो मॉसेस में एक स्ट्रक्चर प्रोटोनिमा बनता है, जो एक प्रोस्टेटिक स्ट्रक्चर होता है, फिर उससे क्या निकलता है आपका स्पोरोफाइट वहाँ पे, नहीं गैमेटोफाइट वहाँ पे बनता है, अभी आपको मैं मॉसेस में पढ़ाऊँगा। और एक चीज़ यहाँ पे है जिस पे एक अलग टॉपिक भी है, प्रोग्रेसिव स्टरलाइजेशन ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू नोटिस फ्रॉम लोअर टू हायर ब्रायोफाइट्स, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है,
जब आप ब्रायोफाइटम, इसमें आपको बताया हिपेटिस सी है, एंथोसीरो हिपेटोकॉप्सिडा, एंथोरोसीरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा है, तो आप ये देखेंगे तो लोअर फॉर्म है हिपेटोकॉप्सिडा में, और में बहुत कम जो होता है स्टेराइल स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, फर्टाइल और स्टेराइल आप देख समझते हैं ठीक, तो स्टेराइल स्ट्रक्चर जो होते हैं लोअर फॉर्म में कम मिलेगा, बल्कि जब आप मॉसेस की तरफ बढ़ेंगे तो आपको स्टेराइल सेल्स ज़्यादा मिलेंगी, तो ये करेक्टर होता है, तो मतलब प्रोग्रेसिव स्टेराइलाइजेशन होता है, प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ते हुए क्रम में लोअर टू हायर ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फर्स्ट मैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात कर लेता हूँ आउटलाइन में, जो आपको सिलेबस में है आपको पढ़ना है, किसका है, जी एम स्मिथ का है, ये वही स्मिथ है जिन्होंने एल्गी का क्लासिफिकेशन दिया था। ये जो क्लासिफिकेशन है इनका पब्लिश्ड हुआ था क्रिप्टोगैमिक बॉटनी दो वॉल्यूम में हुआ था, क्रिप्टोगैम वॉल्यूम वन और वॉल्यूम टू, क्रिप्टोगैमिक बॉटनी। पहला जो वॉल्यूम था वो पब्लिश हुआ था 1938 में, जिसमें उन्होंने एल्गी और फंजाई का क्लासिफिकेशन दिया था, और सेकेंड वॉल्यूम में इन्होंने ब्रायोफाइट्स और टेडोफाइट्स के बारे में बुक पब्लिश किया था, उसी में इनका क्लासिफिकेशन मिलता है। तो जो ब्रायोफाइट का क्लासिफिकेशन है ये हम जी एम स्मिथ का ही फॉलो करेंगे, जैसा आपके सिलेबस में रिकमेंडेड है ओके बीएचयू के। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो ब्रायोफाइटा है ये तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है, हिपेटिसी, एंथोसीरोटी और मसाइको, और ब्रैकेट्स में मैंने उसके कॉमन नाम लिखे हैं, हिपेटिसी को लिवरवर्ट्स बोलते हैं, एंथोसीरोटी को हॉर्नवर्ट्स बोलते हैं और मसाई को मोसेस बोलते हैं। हिपेटिसी में फर्दर चार ऑर्डर हैं, पहला ऑर्डर है स्फीरोकार्पेल्स, दूसरा ऑर्डर है मार्केंशियल्स, थर्ड ऑर्डर है जुंगरमैनियल्स, और इस थर्ड ऑर्डर में भी दो सब ऑर्डर हैं इसके, मिडजरिनी और जुंगरमैनी ठीक है। फोर्थ ऑर्डर क्या है, कैलोब्राइल्स। वहीं अगर हम एंथोसीरोटी की बात करते हैं तो यहाँ पे केवल एक ऑर्डर है एंथोसीरोटेल्स। मसाए की बात करते हैं तो वहाँ पे तीन सब क्लासेस हैं, मैं बता रहा हूँ आपके, इसके ऑर्डर नहीं बता रहा हूँ। सब क्लास फर्स्ट है स्फैग्नोब्राया, सब क्लास सेकंड है एंड्रियोब्राया, और सब क्लास थर्ड है यहाँ पे यूब्राया। तो हो ठीक है, आपको इस क्लासिफिकेशन के बारे में समझ में आ गया, किसने दिया था, किस बुक में दिया था और वो बुक कब छपी थी ठीक है, और ये आउटलाइन क्लासिफिकेशन हो गया। अब मैं फर्स्ट क्लास की बात करता हूँ हिपेटिसी के बारे में, उसके जर्नल कैरेक्टर के बारे में हम जानेंगे ठीक है। फर्स्टली बात करते हैं यहाँ पे कि जो इसका गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होता है ये या तो थैलोज होता है, अगर थैलोज होगा तो वो किस में होता है, रिक्शिया में, मार्केंशिया में और पेलिया में। आप देखेंगे कि जो प्लांट बॉडी होता है वो थैलोज होता है, थैलोज मतलब थैलॉइड, वहाँ पे रूट, स्टेम, लीव्स ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखेगा, या फोलियोज होता है, फोलियोज का मतलब बोलते हैं वही जहाँ पे आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा कि रूट स्टेम जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखे, तो वो एग्जांपल है हिपेटिसी के अंदर कौन कौन से, फॉन्टिनेलिस, एंड्रिया में आपको देखने को मिलेगा। इन फोलियोज द लैटरल अपेंडेजेस, जो लैटर फोलियोज फॉर्म में जो लैटरल अपेंडेजेस होते हैं जो लीफ के जैसे दिखाई देते हैं ठीक है, आर विदाउट मिडरिब, वहाँ पे लेकिन मिडरिब नहीं होता है हिपेटिसी में, जो लीफ आपको देखने को मिलता है लैटरल अपेंडेजेस, एक्चुअली दे लुक लाइक लीव्स बट दे आर नॉट ट्रू लीव्स ओके। वो क्या होते हैं, ऑलवेज डॉर्सी वेंट्रल होते हैं, और ये जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है वेंट्रल सरफेस के नीचे के साइड, आप देखेंगे कभी आपको हिपेटिकोऑप्सिडा का कोई मेंबर मिले या इसका मेंबर मिले तो आप उसको उठाएंगे तो देखेंगे नीचे उसके क्या होंगे, राइजॉइड्स लगे होंगे, या वो ज़मीन से थोड़ा सा जुड़े रहते हैं, वो यूनिसेलुलर होते हैं, ये भी कैरेक्टर है जो भी यहाँ पे लिखा गया है, ये हिपेटिसी का सारा कैरेक्टर है। विंटर सरफेस पे यहाँ पे यूनिसेलुलर ही राइजॉइड्स पाए जाएंगे, और वो राइजॉइड्स दो टाइप के होते हैं, स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरकुलेटेड ओके। या तो आप देखेंगे उसका जो वॉल होगा वो स्मूथ दिखाई देगा या तो आपको ट्यूबरकुलेटेड दिखाई देगा ठीक है। एंड मल्टीसेलुलर स्केल्स भी वहाँ पे पाए जाते हैं, मार्केंशिया का प्लांट अगर आपने देखा होगा तो उसको उठाएंगे तो नीचे राइजॉइड के इधर उधर मार्जिन्स पे वहाँ पे मल्टीसेलुलर स्केल्स होते हैं। वो भी स्केल्स जो होता है दो टाइप के हो सकते हैं, सिंपल स्केल आपको नॉर्मल दिखेगा, या लिगुलेट जिसे अपेंडिकुलेट भी बोलते हैं, थोड़ा सा आगे एक ऐसे अपेंडिक्स टाइप का उसमें निकला होता है जिसको लिग्यूल बोलते हैं,
वो प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे एक खास बात और है कि राइजोइड जो होते हैं यहाँ पे, उनमें सेप्टा नहीं पाया जाता है हिपेटिस सी के जितने भी मेंबर्स होते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। ईच सेल इन द थैलस कंटेन मेनी क्लोरोप्लास्ट, द क्लोरोप्लास्ट आर विदाउट पायरेनॉइड्स। तो एक कैरेक्टर और है यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे सेल्स होता है वहाँ पे बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं ईच सेल। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट जो होता है उनमें पायरेनॉइड्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक, फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। सिक्स ऑर्गन्स आर एम्बेडेड इन द डॉर्सल सर्फेस। सिक्स ऑर्गन्स अगर आप ढूंढते हैं कहाँ पे मिलेगा, तो वो आपको कहाँ पे मिलेगा, डॉर्सल सर्फेस पे मिलेगा। वेंट्रल सर्फेस पे तो राइजोइड्स मिलेगा आपको, स्केल मिलेगा, डॉर्सल सर्फेस आपको उसी में एम्बेडेड सिक्स ऑर्गन्स मिलेंगे। फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं। स्पोरोफाइट मे बी सिंपल। अब देखिए, ये तो गैमेटोफाइट की बात हो गई, ऊपर स्पोरोफाइट जो गैमेटोफाइट पे ही ग्रो बनता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद में, वो मे भी कह रहा है सिंपल भी हो सकता है, जैसे कि रिक्शिया में होता है, हैविंग ओनली अ कैप्सूल। सिंपल का मतलब स्पोरोफिटिक, सिंपल का मीन्स केवल कैप्सूल। ठीक, स्पोरोफाइट में कैप्सूल होता है, फूट होता है, सीटा होता है, लेकिन ये काफ़ी सिंपल होता है रिक्शिया में, वहाँ पर केवल कैप्सूल होता है, नो फूट और सीटा। कह रहा है यह तो सिंपल हो सकता है और डिफ्रेंशिएटेड इंटू रूट, रूट लिख दिया सॉरी, यहाँ पे फूट होगा। ठीक, डिफ्रेंशिएटेड इनटू फूट, सीटा एंड कैप्सूल, और ये किस में होता है, मार्केंशिया, पेलिया, पोरेला में होता है, और ये फुली डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे, बोथ फॉर वाटर एंड फूड। सिक्स, कैप्सूल लैक्स कॉलुमेला। कॉलुमेला एक स्ट्रक्चर होता है जो अभी आप नेक्स्ट वाले में पढ़ेंगे, सेकेंड क्लास में, इंथोसीरो टॉपसीडा में, उसमें कॉलुमेला होता है, बीच में एक कैप्सूल में बन जाता है, यहाँ पे कॉलुमेला नहीं पाया जाता है, ये आपको याद रखने की चीज़ है। सेवेंथ, इलेटर्स आर जनरली प्रेजेंट बट आल्सो अब्सेंट इन सम। यहाँ पे इलेटर्स पाए जाते हैं, इलेटर्स एक हाइग्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं जो वाटर एब्जॉर्ब करके बर्स्ट करते हैं कैप्सूल को, जिससे स्पोर्स डिस्पर्स हो जाते हैं, तो यहाँ पे इलेटर्स पाए जाते हैं, पर कुछ में जैसे रिक्शिया में इलेटर्स नहीं भी पाए जाते हैं। एट पॉइंट, स्पोर जीनस टिश्यू डेवलप्स फ्रॉम एंडोसीटियम। देखिए, फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे क्या होगा, देखिए गैमेटोफाइट है वहाँ पे गैमेट्स मिलेंगे, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनता है, जाइगोट डिवाइड होता है, फिर जब 18-20 सेल्स का हो जाएगा तब एक पेरिक्लिनर डिवीज़न होता है, मींस आउटर लेयर में डिवीज़न होगा, एक आउटर लेयर बन जाएगा जिसे हम क्या बोलेंगे, एम्फीथीशियम, और अंदर बनेगा क्या, इंडोथीशियम। आउटर जो लेयर होता है एम्फीथीशियम, वो बनाता है आपका कैलिप्टर, वैलिप्टर बनाता है, जो जैकेट की मैं बात कर रहा हूँ, इसराइल जैकेट यहाँ पे, वही वो जैकेट बनाता है, और अंदर का जो इंडोथीशियम होता है वहाँ पे, वही स्पोरोजीनस टिश्यू बनाते हैं, मतलब जो आगे चल के स्पोर्स बनाएंगे। स्पोरोफाइट का काम क्या है, स्पोर्स बनाना। ठीक है, तो ये तो रहा क्लास फर्स्ट के बारे में। क्लास टू की बात करते हैं, एंथोसीरोटी की, या जिसे हम एंथोसीरोटॉपसीडा भी कहते हैं। ठीक, एंथोसीरोटॉपसीडा, लास्ट में ये गायब है इसमें, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, गायब नहीं, एक्चुअली यहाँ पे मिस्टेक है, एंथोसीरोटॉपसीडा होना चाहिए। फर्स्ट, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी इज सिंपल थैलॉइड। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी यहाँ पे सिंपल तो होता है, थैलॉइड होता है, थैलस जो होता है वो भी डार्सो वेंट्रल होता है, विदाउट एयर चैम्बर्स। अभी इससे पहले हिपेटसी में जब भी आप उसका कोई आपको मेंबर मिलेगा, तो वहाँ पे आप देखेंगे डॉर्सल सर्फेस पे आपको पोर्स दिखेंगे, उसे वहाँ पे एयर चैम्बर्स होते हैं, पर यहाँ पे कोई एयर चैम्बर्स नहीं होता है, और शोज नो इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यू, और यहाँ पे इंटरनल डिफरेंशिएशन भी नहीं होता टिश्यूज़ का। वहाँ पे आप देखेंगे फोटोसिंथेटिक जोन होता है, फिर स्टोरेज जोन होता है क्लास फर्स्ट में, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, स्केल्स इसमें नहीं पाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट, थर्ड, ईच सेल ऑफ द थैलस पजेस अ सिंगल लार्ज क्लोरोप्लास्ट विद अ पायरेनॉइड। यहाँ पे क्या है, ईच सेल, वहाँ पे आपको बताया था बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ के सेल्स जो होते हैं केवल एक सिंगल लार्ज क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें, और यहाँ पे पायरेनॉइड भी होता है उसके साथ। फोर्थ पे आते हैं, स्पोरोफाइट जो होता है इसका, वो सिलेंड्रिकल होता है, और पार्शली डिपेंड करता है ये कहाँ पे, मतलब गैमेटोफाइट के ऊपर ये पार्शली डिपेंडेंट रहता है फॉर वाटर। ठीक है, फूड भी थोड़ा थोड़ा, पर इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, फॉर दे कैन सिंथेसाइज देयर फूड फॉर देमसेल्व फॉर इट्स नरिशमेंट। इट इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू बल्बस फूट एंड सिलेंड्रिकल कैप्सूल। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है,
जो इसका स्पोरोफाइट होता है वो फूड भी होता है, इसमें कैप्सूल भी होता है। वहाँ पे क्या था, हिपेटसी में सिंपलर फॉर्म कैप्सूल, जैसे रिक्शिया में आपको केवल कैप्सूल ही मिलेगा, पर यहाँ पे फूड भी मिलता है। वही से पहले मैंने आपको उसमें बताया था मार्सकेंशिया वगैरह में जो हिपेटसी के मेम्बर हैं उनमें भी फूड वूड वगैरह पाया जाता है, ठीक। पर यहाँ पे बल्बस फूट और सिलेंडर कैप्सूल होता है। जो यहाँ पे सीटा इसका होता है, सबसे खास बात है ये मेरिस्टमैटिक होता है, एंड मेरिस्टमैटिक मीन्स दे हैव एबिलिटी टू डिवाइड। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं जो एंडोथीशियम, यहाँ पे मैंने आपको बोला था एम्फीथीशियम एक एंडोथीशियम होता है, जो इस एम्फीथीशियम बाहर का कवरिंग बनाता है, किसमें, हिपेटसी में, और स्पोरोफिटिक टिश्यू बनाता है एंडोथीशियम हिपेटसी में। यहाँ पे क्या है, एंडोथीशियम जो होता है वो फॉर्म क्या करता है, स्टेराइल पार्ट बनाता है, सेंट्रल कॉलम होता है स्पोरोफाइट में। जब आप इसके किसी मेंबर में पढ़ेंगे तो कॉलोमेला जिसे बोलते हैं कैप्सूल के अंदर होता है, तो यहाँ पे एक्चुअली कॉलोमेला इसमें प्रेजेंट होता है, जो क्या है, स्टेराइल टिश्यू है, कॉलम है जिसे कॉलोमेला बोलते हैं, और वो बनता किससे, एंडोथीसियम से बनता है। द स्यूडो, यहाँ पे स्यूडो इलेटर्स होते हैं, हिपेटसी में आपने क्या पढ़ा, इलेटर्स होते हैं, यहाँ पे स्यूडो इलेटर्स होते हैं, जो कि आप कह सकते हैं इलेटर्स ही होते हैं, लेकिन वहाँ पे थिकनिंग बैंड होता है उसके वॉल पे, वो नहीं पाया जाता, तो इसीलिए इसको स्यूडो इलेटर्स बोलते हैं, वो कैप्सूल में पाए जाते हैं। सेवंथ पार्ट क्या है आपका, जो स्पोरोजीनस टिश्यू है ये यहाँ पे डेवलप किससे करता है, एम्फीथीसियम से डेवलप करता है, और एंडोथीसियम यहाँ पे सेंट्रल स्टेराइल कॉलोमेला बनाता है। ये तो हुआ क्लास दो, चलते हैं लास्ट क्लास पे, मसाई और ब्रायोप्सीडा, ये बहुत अच्छे दिखते हैं, ठीक है, और ये वॉल्स पे आपको मिलेगा, जो भी ओल्ड वॉल है वहाँ पे आप जाएंगे, ग्रो करता रहेगा, आप उसको देखेंगे तो। फर्स्ट गैमेटोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू प्रोस्टेट प्रोटोनीमा एंड एन इरेक्ट गैमेटोफोर्स। यहाँ पे क्या होता है, जो इसका गैमेटोफाइट होता है ये डिफ्रेंशिएटेड होता है प्रोस्टेट सिस्टम और इरेक्ट सिस्टम, दो सिस्टम होगा इसके गैमेटोफाइट में। प्रोस्टेट जो सिस्टम है उसे प्रोटोनीमा बोलते हैं, इरेक्ट सिस्टम क्या होता है, गैमेटोफोर्स होते हैं, ठीक। गैमेटोफोर जो होता है वो फोलियोज होता है, मतलब फोलियोज का मतलब मैंने आपको बताया था, डिफ्रेंशिएटेड इनटू एन एक्सिस विच इज़ इक्विवेलेंट टू स्टेम एंड लैटरल अपेंडेजेस लाइक लीव्स विद डिस्टिंक्ट मिडरिप। वहाँ पे इससे पहले क्या था, एंटोसिरोप्टेरा में, अरे हिपेटसी में, वहाँ पे फोलियोस फॉर्म था पर वहाँ पे लीफ में मिडरिप नहीं था, पर यहाँ के में आपको मिडरिप मिलेगा, डिस्टिंक्ट मिडरिप मिलेगा। थर्ड पॉइंट, राइजॉइड्स मल्टीसेलुलर, यहाँ पे जो राइजॉइड्स होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, ब्रांच भी होते हैं और यहाँ पे सेप्टा भी होता है। इलेटर्स यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं कैप्सूल में, ठीक है। फिफ्थ, द सिक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड इन सेपरेट ब्रांचेस इमर्ज इन अ ग्रुप ऑफ लीव्स। कह रहा है यहाँ पे जो सिक्स ऑर्गन्स होते हैं ना वैसे ही इम्बेडेड नहीं होते हैं, एक सेपरेट ब्रांच होती है उस पर वो इमर्ज होते हैं, मींस उस पर लगे होते हैं कुछ लीव्स के ग्रुप के साथ में, ठीक है। सिक्स, स्पोरोजीनस टिश्यू जो होता है इसमें डेवलप करता है आउटर लेयर ऑफ एंडोथीसियम, देखिए एंडोथीसियम पूरा इसमें नहीं इन्वॉल्व होता, एंडोथीसियम का आउटर लेयर से इसमें स्पोरोजीनस टिश्यू डेवलप करता है, और जो इनर लेयर होता है एंडोथीसियम का वो क्या बनाता है, स्टेराइल कॉलोमेला बनाता है। तो जिससे पहले आपने पढ़ा एंटोसिरोप्टेरा में, उसमें जो एंडोथीसियम था पूरा का पूरा वो कॉलोमेला बनाता था, और स्पोरोजीनस टिश्यू किससे बनता था, बाहर वाले लेयर्स, अरे बाहर वाले से कह रहा हूँ, वन मिनट, एंडोथीसियम फॉर्म्स द स्टेराइल, ये देखिए स्पोरोजीनस टिश्यू डेवलप फ्रॉम एम्फीथीसियम, यहाँ पे एम्फीथीसियम से स्पोरोजीनस टिश्यू डेवलप करता है, एंडोथीसियम सेंट्रल स्टेराइल कॉलोमेला बनाता है। यहाँ पे क्या है, स्पोरोजीनस टिश्यू डेवलप फ्रॉम आउटर लेयर ऑफ एंडोथीसियम, इनर लेयर कॉलोमेला बनाएगा, एंडोथीसियम का ही आउटर लेयर स्पोरोजीनस टिश्यू बनाएगा। सेवंथ एंड लास्ट पॉइंट अबाउट दिस ब्रायोप्सीडा, स्पोरोफाइट इज पार्शली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर इट्स नरिशमेंट, एंड विद दिस सेवंथ पॉइंट वी हैव केम इन टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। सो ये था हमारा सारा ब्रायोफाइट, होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ये एक आउटलाइन था, इसके बाद भी आपको क्या पढ़ना होगा, आपको इसके मेंबर्स जो हैं जैसे रिक्सिया मार्केंसिया वो आप पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें कौन किस ग्रुप से बिलोंग करता है।
तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएगा। तो चलता हूँ मैं, पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूँगा टेडो फाइटा के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।